हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी सिक्स क्लास की एनसीईआरटी बुक है साइंस की, उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि सीएपीएफ के एग्ज़ाम में साइंस से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन के लगभग इसमें से आते हैं। ठीक है, तो सब रेकमेंड करते हैं कि 6 से 10 तक की एनसीईआरटी पढ़िए। उसके अलावा कोई मैगजीन किसी इंस्टीट्यूट की मिल जाती है तो वो भी हम पढ़ेंगे, लूसेंट भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये तुम देख सकते हो, मैंने साइंस की एनसीईआरटी के 6 के मैंने नोट्स बनाए हैं, तो इसको इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या है ना कि एनसीईआरटी की बुक काफ़ी मोटी है, और ये है वो बुक साइंस की जिसके हम नोट्स की बात करेंगे। ठीक है, तुम देख सकते हो, ये वो साइंस की बुक है जिसके मैंने नोट्स बनाए। किताब काफ़ी मोटी है, 16 इसमें चैप्टर हैं। ठीक है, तो इसकी बुक की मैंने समरी बना ली है, जिससे कि तुम्हें पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो इसमें इंपॉर्टेंट डाटा है वो मैंने सारा मेंशन कर लिया है, तो जस्ट तुम इसकी जो पीडीएफ मैंने बना के रखी है इसको तुम पढ़ना, उसके बाद तुम्हें और कुछ पढ़ने की नहीं है सिक्स क्लास की एनसीईआरटी में से। ठीक है, ये सीएपीएफ 2023 के लिए वीडियो है। एनसीईआरटी तो आगे भी काम आएगी, क्योंकि ये डाटा थोड़ी ना चेंज होगा। ठीक है, करंट अफेयर चेंज होते हैं, स्टैटिक नहीं होता। तो तुम देख सकते हो, सीएपीएफ एसी 2023 एनसीईआरटी समरी सिक्स क्लास सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, इसके बाद हम सेवन्थ की लाएंगे, फिर एट्थ की लाएंगे, फिर नाइन्थ की लाएंगे, फिर टेंथ की लाएंगे। इस तरह से सभी बुक की हम समरी बनाएंगे अपनी तरफ से। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तुम निकाल भी नहीं सकते, तुम खुद पढ़ लेना पीडीएफ को मिलाने, इससे ज़्यादा डाटा तुम नहीं निकाल सकते। ये मैक्सिमम आउटपुट है इस बुक का, तो स्टडी करते हैं फिर से। देखो दोस्तों, जब हम चैप्टर वन खोलेंगे ना, तो चैप्टर वन टू चैप्टर 16 कवर कर लिया मैंने, जो जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और अच्छे से लगे रहना, बहुत टाइम से वीडियो डाल रही थी, अब डालता रहूँगा। चैप्टर वन में कुछ देखो, मैंने क्या किया है ना, वर्ड्स लिए हैं, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या वर्ड कह लो तुम इसे, इसके बारे में मैंने लिखा है, क्योंकि इनकी मीनिंग अगर हमें पता लग गई ना, एक्चुअल में हम अपनी लैंग्वेज में जानते पर इनके वर्ड के मीनिंग नहीं जानते। अगर ये हमें पता लग गए ना, जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेटेड, हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे बिना किसी रुकावट के। देखो, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस क्या होते हैं, एनवायरमेंट में हमने पढ़े होंगे। सेम इसमें लिखा हुआ, हर्बीवोरस कौन होता है, जो ग्रीन घास वगैरह खाते हैं। ठीक है, कार्निवोरस कौन होते हैं, जो एनिमल दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस जो घास और मांस दोनों खाते हैं, जैसे कि हम वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। नेक्टर किसे कहा जाता है, स्वीट जूस, जूसेस फ्रॉम द प्लांट्स कलेक्टेड बाय द बीज। ठीक है, वैसे नेक्टर अमृत को कहते हैं, लेकिन इसमें ये लिखा हुआ था इसका मीनिंग। ठीक है, स्वीट जूस जो मधुमक्खियां निकाल के लेके आती हैं, जिसका सी वो बनता है, हनी बनता है। एडाइवल का मतलब होता है ईटेबल। ठीक है, ये तुम्हें आते हो या ना आते हो, इससे ज़्यादा डाटा इसके अंदर है नहीं, और ये मैंने कंप्लीट किया है, तो तुम्हें हो सकता है किसी का मतलब पता हो, बट ये बुक में है तो मैंने लिखा। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, डाइट्री फाइबर्स क्या होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेनी प्रोवाइड एनर्जी, फैट मोर एनर्जी कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स प्रोटीन जो होते हैं, विटामिन प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम द डिसीज। ठीक है, इनके क्या क्या ये इसमें लिखे हुए थे। ठीक है, बैक एक्चुअल में हमें पता होगा, बट इसमें लिखा हुआ था। ठीक है, डाइट्री फाइबर प्रोवाइड बाय द प्लांट्स इन अवर फूड सच एज ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटो, फ्रूट्स। विटामिन सी से क्या होता है, इजिली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट। विटामिन सी इसमें लिखा हुआ था, हीट करने पर यह डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, डेफिशिएंसी डिसीजेस किसे कहते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, एंड ओबेसिटी किसे कहते हैं, रिच इन फैट, ईटिंग टू मच। अगर हम फैट वाले मटेरियल ज़्यादा खा लेंगे तो हमें ओबेसिटी हो जाती है। ठीक है, तो ओबेसिटी किसकी वजह से होती है, फैट की वजह से। कचौड़ी वगैरह उसमें लिखा है, ये कचौड़ी भी उसमें लिखा हुआ है कि पूरी कचौड़ी, ये सब उसमें लिखा हुआ। तो इस तरह से हमने सारे वर्ड्स ले लिए हैं। ठीक है, विटामिन, अब ये आ गया विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है, उनके सिम्टम्स क्या क्या है। यहाँ मैंने लिखा है विटामिन के नाम, यहाँ लिखे हैं उनके डिसीजेज, और यहाँ लिखे हैं मैंने सिम्टम्स। ठीक है, जैसा कि ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, ठीक है, विजन में दिक्कत आएगी, धुंधलापन वगैरह। विटामिन बी से बेरी वेरी, बीक मसल, नॉट एनर्जी। बेरी वेरी रोग में ये होता है कि बीक मसल और नॉट एनर्जी। ठीक है, तो बेरी बेरी में क्या होता है, वीक मसल, नॉट एनर्जी। स्कर्वी क्या होता है, ब्लीडिंग जम्स, यहाँ से ब्लड आना। रिकेट्स किसे कहते हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट, बोन एंड टूथ डिके कैल्शियम की वजह से, आयोडीन की वजह से क्या होता है, अनेमिया की वजह से क्या होता है, वीकनेस आती है, डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन रहती है। तो ये हो गया, इसके बाद मेरे ख्याल से दूसरा चैप्टर आया था लेकिन लिखा नहीं मैंने कंप्लीट, ये 4 पेजेस की बनी है इसकी पीडीएफ। तो फाइबर, नेचुरल फाइबर कौन सा होता है, सिंथेटिक क्या होता है, कॉटन बॉल्स किसे कहते हैं, गिनिंग कैसे कहते हैं। ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, कॉटन, जूट, वूल, ये तो हो गया हमारा नेचुरल फाइबर। और फाइबर सिंथेटिक क्या हुए, पॉलिस्टर, नायलॉन वगैरह हो गए। ठीक है,
कॉटन बॉल्स किसे कहते हैं? फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन का जो प्लांट होता है बीज के चारों तरफ जो लगा होता है, फ्रूट मतलब उसका टोटल, ठीक है। उसके बाद गिनिंग फाइबर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कंबाइनिंग द प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। जो कॉटन की बॉल्स होती हैं उसके सीड्स के चारों तरफ वो लगा होता है ना कॉटन, तो उसको हटाने के प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। जूट कल्टीवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन इन वेस्ट बंगाल असम बिहार, ये सब हमें पता होगा, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा होगा, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर। पर सिक्स क्लास के एनसीईआरटी में था तो हमारा रिविजन भी हो रहा है, तो हमें ऐसा ना रहे कि कुछ उसमें रह गया, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो तुम पढ़ते जाओ अच्छे से, ठीक है। ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा उस टाइम में उसके टेलीग्राम चैनल के ऊपर, प्रिपरेशन टाइम वाला जो चैनल है। स्पिनिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स धागा। देखो जो वर्ड का तुम्हें मीनिंग समझ में ना आए ना पढ़ने के बाद भी, तो उसको हिंदी में लिख लिया करो, ठीक है। यार्न का मतलब हमें नहीं पता था, हमने इस तरह से फोटो देख के समझ गए थे हम, ठीक है। वेविंग क्या होता है? कन्वर्ट यार्न इनटू फैब्रिक, दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर, इस तरह से जो बनती है ना वो। नाइटिंग क्या होता है? सिंगल यार्न जो वो सुई धागे से हमारी दादी वगैरह मतलब, ठीक है। लस्टर किसे कहते हैं? शाइन ग्लो चमक को लस्टर कहा जाता है, लस्टर वर्ड अगर आ जाए तो तुम्हें पता हो। ओपिक क्यों कहते हैं? नॉट ट्रांसपेरेंट कांट बी सीन, दिस इज ओपिक, दिस इज ट्रांसपेरेंट। और कॉफी के अंदर से देखूं और कुछ चीज़ दिख रही है लाइट वगैरह, तो ये ट्रांसल्यूसेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चरिंग किसे कहते हैं? मक्खन निकालना दूध से, ठीक है। कंडेंसेशन किसे कहते हैं? कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनकी लिक्विड, वाटर पेपर को लिक्विड में बन जाना कंडेंसेशन कहा जाता है, ठीक है। एवेपोरेशन, ठीक है, तुम्हें पता होगा। हैंड पिकिंग किसे कहते हैं? यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्यूरिटी लाइक पीसेज ऑफ डर्ट स्टोन फ्रॉम द राइस। हाथ से चावल बीनने को हैंड पिकिंग, समझ गए ना? किसी भी हैंड पिकिंग चावल बीनने की नहीं होती, या कूड़ा बिखेर दो तो मैं हाथ से बीनूंगा, तो वो हैंड पिकिंग है। हैंड पिकिंग का मतलब ही समझ जाओ तुम क्या हो सकता है, ठीक है। थ्रेसिंग क्या होता है? यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स एज स्टॉक्स आर द बीटन टू फ्री द ग्रेन्स, ठीक है। अब देखो इसके ना तुम्हें मैं समझ में आ रहा होगा, तुम बुक्स जब पढ़ोगे ना तो उसमें फोटो लगी हुई है, मैं फोटो लगाना यहाँ भूल गया। यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक एज द स्टॉक्स आर द बीटन टू फाइबर ग्रेन, ठीक है। तो समझ जाओ जैसे कि वो हमारे गांव वगैरह में देखा होगा तुमने, एक ड्रम होता है, मतलब ये लोहे की है किसी भी चीज़ की, जो अनाज के जो वो होते हैं ना बाले, जैसे कहते हैं पौधा जो होता है सूखा हुआ, जो गेहूँ काट के लेके आता है उसकी बाले होती है ना, उसे पीटते हैं, उसे पीटने के बाद जो होता है उसे थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। विनोइंग किसे कहते हैं? ठीक है, समझ जाओ विनोइंग मतलब विंड से रिलेटेड कुछ है। जब हम फैन चला के, साइकिल वाला फैन आता ना एक, या फिर मोटर फैन जो होता है उसके सामने एक परात में करके धान या गेहूँ मतलब ऐसे करते हैं, धानों को करते हैं, उसमें सब जो होता है ना वो भूसी निकल जाती है, चावल नीचे गिर जाते हैं, उसे विनोइंग कहते हैं। तो यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर एंड यूज टू सेपरेट लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट्स बाय विंड और ब्लोइंग एयर, ठीक है, तुम समझ जाओगे। सीविंग किसे कहते हैं? रिमूव द पीसेज ऑफ स्टोन स्टॉक फ्रॉम द फ्लोवर, छनली से आटे छानने को कहते हैं सीविंग, ठीक है। यूज टू कंस्ट्रक्ट साइट, और रेता छानने वाली को भी वही कहते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड के ना मीनिंग हमें पता होने चाहिए, अगर कल को आएगा ना कुछ की जैसे कि विनोइंग में हम आटा छान सकते हैं या कर सकते हैं, तो हमें पता हो कि अच्छा यार ऐसा, तो ये वर्ड के ना मीनिंग हम लोगों को पता होने चाहिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है सिक्स एनसीईआरटी में, और क्या ही आएगा ना, ठीक है। डेकेंटेशन और फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? चाय से चन्नी छानने वाले को, ठीक है। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड इस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव द प्रोसेस कॉल्ड डेकेंटेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं? नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसोल्ड इन द अमाउंट ऑफ द वाटर, द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी द सैचुरेटेड, ठीक है। इसके अंदर पानी है, नमक मिलाते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिला सकते, तो सैचुरेटेड सॉइल हो गया, सॉल्यूशन हो गया। हब्स किसे कहते हैं? श्रब्स किसे कहते हैं? ट्रीज किसे कहते हैं? ये हमें पता होगा, हमें ऐसा लग रहा होगा यार ट्रीज, पर पता है जब क्वेश्चन आता है ना तो वो घुमा के पूछते हैं, वो इसकी डेफिनेशन को कुछ डिफिकल्ट वर्ड देके पूछते हैं, तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार ट्री की लिखी है क्या। देखो प्लांट्स विद अ ग्रीन एंड द टेंडर स्टेम यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये क्या है ना, कन्फ्यूज हो जाओगे। तो हब्स कहते हैं इसे, एक तना ले लो पत्ती चार पांच, ज़्यादा कुछ नहीं होता। श्रब्स क्या होगा? श्रब्स के अंदर एक बात ध्यान रखना, जो उसका बेस होता है ये जमीन है, देखो ध्यान से, यहाँ से अगर वो निकल रहा है तो यहीं जड़ से ही सारे उसके तने निकलेंगे, उसे श्रब्स कहा जाएगा, तो मेन उसका यही है। ट्रीज वेरी टॉल होंगे, वेरी हार्ड स्टिक स्टेम होते हैं उसके। क्रीपर किसे कहते हैं? क्लिम्बर्स किसे कहते हैं? वीकेंड स्टेम कैन नॉट स्टैंड अपराइट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, तरबूज की वेल वगैरह, वेल, ठीक है।
स्टार्क सपोर्ट एंड क्लाइंब। अब क्लिंबर्स ऐसे कहेंगे, कोई डंडा लगाते हो, मनी प्लांट की होती है वो चढ़ती जाती थी, क्लिंबर्स हो गए, क्रीपर्स हो गए जमीन पर फैलेंगे, ठीक है। बट ये बड के मीनिंग हमें याद करने पड़ेंगे। पेटियोल ए पार्ट ऑफ द लीव विच इज कनेक्टेड टू द स्टेम। देखो ये वाली पत्ती मैंने बनाई, याद आ गया, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पत्ती है, ये वाला एरिया जो गया पेटियोल, ये तना जो हो गया स्टेम हो गया, इसके अंदर वीन्स होंगी और इस पूरे ग्रीन ग्रीन पार्ट को कहा जाएगा लेमिना, ठीक है। तो ये सब की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। वीन्स मिडरिब किसे कहते हैं, पत्ती के जो बीच की वो होती है ना वीन, उसे कहते हैं मिडरिब, ठीक है। लीफ वेनेशन डिज़ाइन मेड बाय द वीन्स इन ए लीफ, उसे लीफ वेनेशन कहेंगे। रेटिकुलेट नेट लाइक डिज़ाइन जो होता है लीफ का। पैरेलल वेनेशन, बीन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल हो गया। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग समझने में इजी हो जाते हैं। ट्रांसपायरेशन किसे कहते हैं, वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म्स ऑफ वेपर। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म यूज सनलाइट टू सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस इज इन प्लांट्स जनरली इन्वॉल्व्स द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड द जनरेट्स ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स अब्सॉर्ब CO2। ये पता होंगे हमें, पर डेफिनेशन इनकी चेंज कर दी जाती है, घुमा दिया जाता है। टैप रूट, मेन रूट। टैप रूट किसे कहते हैं, जड़ होती है मेन। लेटरल रूट, जो स्मॉलर रूट्स होती हैं उसकी, ठीक है। फिब्रोस रूट्स, ऑल रूट्स सीम सिमिलर, ठीक है। जो फिब्रोस रूट का मतलब होता है सारी जड़ें सिमिलर हों। अगर पेटल्स प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, सेपल्स स्मॉल लीफ लाइक स्टीम। देखो ये मैंने बना रखा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो। स्पेल्स के जो गुलाब का फूल होता है ना, उसके गुलाब के फूल की डंडी में जहाँ से फूल शुरू होता है, वो हरे हरे एक कुछ पत्ते हरे हरे एक तरीके चिपके होते हैं फूल से, उसे कहते हैं स्पेल्स। पेटल्स कहते हैं जो पंखुड़ियाँ होती हैं। पिस्टिल किसे कहा जाता है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो फूल के अंदर का इनर मोस्ट पार्ट होता है उसे पिटिल कहते हैं, पिस्टिल। स्टामेंस किसे कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ एन एंथर एंड स्टॉक लाइक फिलामेंट। अब इसे गिल्स किसे कहते हैं, फिश टेक्स O2 ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर थ्रू गिल्स, ठीक है। नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स किसे कहते हैं, डॉल्फिन्स बॉल जैसे कुछ अलग तरीके के भी जीव होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जो कि गिल्स के बिना ही सांस लेते हैं। तो उन्हें यहाँ होता है ना, नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स, डॉल्फिन जैसे हो, व्हेल मछली हो गई, तो उनके होते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए उनके गिल्स होते हैं तो तुम क्या करोगे, गलत करोगे, सही, लेकिन ये पता होना चाहिए। रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पायरेशन। स्टिमुली, चेंजेस इन अवर सराउंडिंग दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। एक्सक्रेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ द वेस्टेज बाय ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द एक्स। यूनिट, नॉन फिक्स क्वान्टिटी इज कॉल्ड ए यूनिट। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस इन टू टू पार्ट। किसी को मेजर करने के रिजल्ट के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। नंबर यूनिट, ए रूम इज अ 12th लेंथ ऑफ योर फुट। 12 कदम चलूंगा तो मेरा कमरा है, 12 कदम की लंबाई का मेरा कमरा है। तो 12 क्या हुआ, नंबर, लेंथ ऑफ योर फुट इज यूनिट, इस तरह से उसमें समझाया गया है। तो मैंने लिखा है, अगर क्वेश्चन आ भी सकता है 12 लेंथ ऑफ योर फुट, व्हाट इज द यूनिट इन दिस, ठीक है, ये आ सकता है। बैकबोन, स्टार्ट फ्रॉम द नेक डाउनवर्ड ऑफ योर बैक इज बैकबोन। इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टीब्रेस, कंसिस्ट ऑफ द 33 वर्टीब्रेस। पेल्विक बोन्स, पोर्शन ऑफ ए बॉडी बिलो द स्टोमच, पेल्विक बोन्स कहते हैं उन्हें जो हमारे स्टोमच के नीचे होता है। कार्टिलेज, नॉट एज अ हार्ड एज अ बोन विच कैन बी बेंट, कार्टिलेज मतलब कान की। स्ट्रीमलाइंड, ठीक है, द हेड एंड द टेल ऑफ ए फिश इज स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन। इस तरह से जो शरीर होता है मछली का, उसको हम उस तरह के शेप वाली बॉडी को कहते हैं स्ट्रीमलाइन। ये बोट जो बनती है ना, वो भी इस तरह से ही बनती है, समझ रहे हो, आगे से भी नाव इस तरह से होती है। एक्लिमेटाइजेशन, चेंजेस डेट कैन हैपन इन एन ऑर्गेनिज्म ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू हेल्प द एडजस्ट टू सम चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। कुछ चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हो जाती हैं किसी ऑर्गेनिज्म में। समझो किसी एरिया में डॉग्स रहते हैं या ठंडा रहता है, ठीक है, उनको गर्मी में अगर छोड़ा जाए तो कुछ मर जाएंगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे ना, एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक होता है अडेप्टेशन, एक होता है एक्लीमेटाइजेशन। तो शॉर्ट पीरियड में अपने अंदर बदलाव लाना एक्लीमेटाइजेशन, लॉन्ग पीरियड एडेप्टेशन। प्रे किसे कहते हैं, एनिमल्स टू इट, हिरन और शेर में प्रे हिरन होगा, प्रेडेटर्स शेर होगा।
एनिमल्स जिन्हें खाया जाएगा वो प्रे हैं, जो खाते हैं वो प्रेडेटर्स। इन एंशियंट टाइम द लेंथ ऑफ ए फुट विथ ऑफ ए फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप कॉमनली यूज एज ए डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट। ए क्यूबिट लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू फिंगर टिप्स वर यूज इन एंशियंट इजिप्ट। ठीक है, इन 1790 में फ्रेंच क्रिएटेड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट कॉल द मेट्रिक सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज इज नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट SI। ठीक है, SI यूनिट तुम देख सकते हो यहाँ पे, SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 10 mm। ओके, मोशन किसे कहते हैं? ए चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, रेक्टिलिनियर मोशन। ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो इसके बाद आएगा सर्कुलर मोशन, वो ऊपर नीचे पेजेस हो गए थे। सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस रिमेन द सेम बट मूव्स इन ए सर्किल वी कॉल्ड सर्कुलर मोशन। पंखे का घूमना, कहीं ट्रेवल थोड़ी कर रहा है लेकिन घूम भी रहा, मोशन तो कर रहा है ना। पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं? ये लटकाया मैंने, तो इस तरह से ये लटका हुआ है, इसको मैं ऐसा करके यहीं छोड़ूंगा, यहीं आ रहा है, मतलब यहाँ गया था बट खुद यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन। एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम कॉल द पीरियोडिक मोशन। पेंडुलम का यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ब्रांच ऑफ ए ट्री, स्ट्रिंग्स ऑफ ए गिटार, गिटार को खींचोगे ना उसके तार को वापस वहीं पहुँच जाएगा। पीरियोडिक मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स इंटरवल ऑफ द टाइम। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स लाइक सन डेट गिव्स आउट एमिट लाइफ ऑफ देयर ऑन आर कॉल्ड द ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। कंडक्टर्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इंसुलेटर जिसमें नहीं हो सकती। मैग्नेटिक पोल्स आर नियर द, मैग्नेटिक पोल्स किसे कहते हैं? मैग्नेटिक पोल्स आर द नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट, दे आर टू टॉप अप ऑन नॉर्थ पोल साउथ पोल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं? कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर द लेटर यूज, दिस वे इज कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट बर्निंग एंड ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ द रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, कैविटी किसे कहते हैं? हेलो स्पेस ऑफ द बोन वेयर राउंडेड एंड ऑफ द बोन ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी, दिस जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये वाला हमारा कैविटी है, ये हाथ हमारा पूरा घूम जाता है। ठीक है, एक कटोरी होती है, इसके अंदर इस तरह से ये घूमता है। पाइवोटल जॉइंट किसे कहा जाता है? द जॉइंट वेयर अवर नेक जॉइंट्स हेड इज द पाइवोटल जॉइंट, इज दिस जॉइंट सेंट्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग। ठीक है, ये हमारा वो है पाइवोटल। हिंजे जॉइंट किसे कहता है? एल्बो हैज हिंजे जॉइंट दैट अलाउ ओनली ए बैक एंड फोर मोमेंट। ठीक है, यहाँ से यहीं तक ही जाएगा, ये वापस नहीं जा सकता, मतलब मुड़ नहीं सकता, यहीं तक आता है। कार्पल्स आवर पाम मेड ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल कार्पल्स। ठीक है, ये देख सकते हो। रिब केज किसे कहा जाता है? चेस्ट बोन एंड द बैक बोन, चेस्ट बोन एंड द बैक, चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स कॉल्ड द रिब बैक। देर आर 12 रिब्स ईच साइड, इधर भी 12 इधर भी 12, इस पूरे को कहते हैं रिब केज। ठीक है, तो दोस्तों ये खत्म हो गई है हमारी 6th क्लास की साइंस की समरी। इसके अलावा साइंस की बुक में जो 6th क्लास के NCERT है कुछ नहीं है पढ़ने वाला, बिलीव ना हो तो तुम रीड कर सकते हो, PDF भी अवेलेबल है गूगल पे भी टेलीग्राम पे भी, पूरी बुक की बता रहा हूँ। और मैं तो ऑफलाइन पढ़ी थी, ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले ही लेकर आया था मैं से, तो 6th की कंप्लीट हो गई थी मेरी, अब साइंस की चल रही है मेरी, साइंस की भी तुम्हें वीडियो में 1-2 दिन में जल्दी दे दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहना, और भी वीडियोस में डालूँगा और तरह की भी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।